विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वहीं मिर्जापुर के महंत के शिवाला स्थित प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में भुवनेश्वर नाथ के नाम से प्राचीन शिव मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित साधु तिवारी ने भी विशेष पूजा अर्चना कर जहाँ समस्त ब्रह्मांड की शांति की कामना की तो वहीं भारत के केंद्र सरकार के लिए सद्बुद्धि की दुआएं भी की। कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके देश के तमाम सवर्णों के साथ में भेदभाव का रवैया अपना रही है जो सरासर सवर्णों के साथ अन्याय है। संशोधित अध्यादेश के सहारे समाज में वोट की राजनीति के चलते सवर्णों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान से कामना करते हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आए और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में केंद्र सरकार काम करे। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से सावन के अंतिम सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से प्रार्थना की गई है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। 4 वर्ष पुरानी है और यहाँ हमारे नाना पंडित मान्यता के साथ आता है, तहे दिल से आता है, उस मंदिर से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आज के दिन बहुत बड़ा है क्योंकि शिव जी जो है इनका कोई ये नहीं है कि ये इनके पिता के बारे में या माता के बारे में कोई बता सके। भगवान भोलेनाथ का ये महीना जो सावन का है वो बड़ा ही प्रिय होता है और जो भक्त होते हैं शंकर जी के वो रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ति करते हैं। ये मिर्जापुर जनपद का ये कहा जाए कि यह मंदिर जो है ऐतिहासिक है, क्या कहते हैं उसको, इनका इतने में सुरक्षा हो जाए। आपने देखा ना कितना बड़ा विशाल मंदिर है और भक्तों का यह है कि इस महंगाई के दौर में जो है चूना वगैरह नहीं हो पाया तो कहा जाए कि राजा का जो है स्टेट था और उसमें जो है मंदिर में कितना सोना गड़ा है, कितना चांदी गड़ा है, कितना सिक्का गड़ा है, इसकी सही जानकारी नहीं। ये जो है अफवाहें हैं। ये बाबा भूतेश्वर नाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है, ये हमारे मिर्जापुर जिले में एक अपना ऐतिहासिक मंदिरों में शुमार है। हम लोग प्रतिवर्ष हमेशा सोमवार को भी आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। न ऐसा शिवलिंग कहीं पे है और न ऐसा प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिलता है कहीं पे। यहाँ आने पर बड़ी शांति, हर मनोकामना पूर्ण होता है और हमारी भी मन भगवान भोलेनाथ से आज निवेदन किया हूँ, मन्नत मांगा हूँ कि ये हमारे केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दें कि वो SC ST एक्ट के बारे में पुनर्विचार करें और इसे तत्काल प्रभाव से प्रोन्नत व आरक्षण व SC ST एक्ट को समाप्त करें। यही हमने आज भोलेनाथ से मनोकामना किया है, आज हमारी यही मनौती इनसे है कि ये सद्बुद्धि हमारे प्रधानमंत्री जी को दें, हमारे राष्ट्रपति जी को दें, जिससे देश हित हो सके। देश को बर्बाद करने की ये साजिश है, इसे खत्म किया जाए।